रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चाणक्य नीति के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं चाणक्य से जुड़े दूसरी घटना के बारे में। महाराज नंद अपने युग के सबसे बड़े वीर और महान राजाओं में से एक थे। उनके दरबार में जैसे ही चाणक्य एक कुर्सी पर विराजमान हुए, आसपास के सभी लोगों ने उन्हें बहुत आश्चर्य से देखा। ब्राह्मणों के साथ यह काला करूटा बदशकल सा ब्राह्मण बैठे देखकर सब हैरान तो थे ही, किंतु उस समय कोई नहीं बोला, क्योंकि राजा जी के आने का समय हो चुका था। राजा नंद अपने हाथों से ही सुबह के समय पुरोहितों को दान देते थे। जैसे ही वे दरबार में आए, ब्राह्मणों की ओर एक नजर डालते हुए श्रद्धा से देखा। राजा पुरोहित ने राजा जी से उठकर कहा, महाराज, ब्राह्मण लोग आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं दान के लिए, आप अपना हाथ बढ़ाइए। अवश्य अवश्य, ब्राह्मणों को दान देना हमारा धर्म है, हम दानी पुरुष हैं। इतना कहते ही राजा नंद ने सामने बैठे ब्राह्मणों की ओर देखा, जो दान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक उनकी नजर सामने बैठे चाणक्य पर पड़ी। यह काला कलूटा बेढंगा बदशकल क्रूर इंसान कौन बैठा है? राजा क्रोध से चीख उठे, यह चाणक्य पंडित है महाराज। नहीं नहीं, ऐसा भयंकर और बदशकल काला आदमी कभी पंडित नहीं हो सकता। इसे मेरे सामने से हटा दो और धक्के देकर मेरे दरबार से निकाल दो, मैं इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। महाराजा नंद के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर चाणक्य की आंखें अंगारे उगलने लगी थी। क्रोध के मारे उनका सारा शरीर कांपने लगा। वह उछलकर अपने स्थान से उठे और महाराजा नंद की ओर घृणा से देखते हुए गरज कर कहा, अरे शूद्र, तुम अपनी ताकत और भोग विलासी जीवन के कारण अंधे हो गए। तुमने आज तक ब्राह्मण का खुलेआम अपमान किया है। क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस समय आपका मेहमान हूं? हमारे धर्मशास्त्र में मेहमान को भगवान का रूप बताया गया है। बकवास बंद करो, मैं सम्राट नंदपाल सिंह हूं। मेरे सामने जवान खोनी की सजा मौत से कम नहीं। यदि तुम ब्राह्मण न होते तो यह काम अब तक हो चुका होगा। अब तुम निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें निकालने के लिए मुझे सैनिकों का सहारा लेना पड़ेगा। राजा नंद, तुमने एक ब्राह्मण और साथ में मेहमान का भी अपमान किया है। मैं विष्णुगुप्त चाणक्य आज अपनी बंदी हुई चोटी को खोलकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक नंद वंश का नाश न कर लूंगा, तब तक ना तो यह चोटी बांधूंगा और न ही चैन से बैठूंगा। क्रोध से भरे चाणक्य यह शब्द कहते हुए सम्राट नंद को घृणा की दृष्टि से देखते हुए बाहर निकल गए। ब्राह्मण जीवन भर कष्ट तो सहन कर सकता है, किंतु अपना अपमान कभी सहन नहीं करेगा, विशेष रूप से जब उसकी पूरी जाति का ही अपमान किया जाए, तो उस समय संसार का सबसे भयंकर इंसान बन जाता है। सम्राट नंद के सभी बड़े बड़े सैनिक अधिकारी जानते थे कि वे क्रोध में आकर सारे संसार का विनाश करने की शक्ति रखते हैं। इस काले ब्राह्मण ने महाराज का खुलेआम अपमान किया है, अब इसको जान बचानी बहुत कठिन है। राज दरबार में चारों ओर एक भयंकर सन्नाटा छा गया था। लोगों के दिलों की धड़कने तेज थी, किंतु जबानें खामोश थी। आंखें कभी राजा के चेहरे पर तो कभी चाणक्य के चेहरे पर। शायद वे सब इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब महाराज इस ब्राह्मण को मौत का हुक्म सुनाते हैं। चारों ओर भयानक खामोशी छाई रही। चाणक्य क्रोध से पांव पटकते दरबार से बाहर जा रहे थे। सम्राट नंद की आंख में से क्रोध तो जैसे समाप्त हो गया था। उन्हें उस समय इतिहास के एक ब्राह्मण परशुराम की प्रतिज्ञा याद आ रही थी, जिसने जीवन भर कंधे पर कुल्हाड़ा, तीर कमान, तलवार उठाकर पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश करते रहे। वही थे महान पंडित जिन्होंने कहीं पर भी तो अपना राज्य नहीं बनाया। बड़े बड़े वीर राजाओं को जान से मारकर वे आगे चले गए। किसी देश के राजा न बने और ना ही किसी के धन का प्रयोग किया। उनके सामने यही एक लक्ष्य था, बदला, बदला, प्रतिशोध। ब्राह्मण जाति के इतिहास में परशुराम एक महान वीर और सबसे अधिक क्रोधी, वेगराज, विश्वासी, त्यागी और तपस्वी माने गए। उनके हाथों से बड़े बड़े वीर युद्ध मारे गए। और अब यह चाणक्य। एक लंबी ठंडी सांस भरते हुए राजा नंद ने उस पंडित को अपने दरबार से जाते हुए देखा।
उनका क्रोध तो ठंडा हो चुका था, मगर भविष्य के अंधेरे उनके आंखों के सामने नाच रहे थे। तो क्या वो इस गुरु ब्राह्मण से हार मान ले? तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सम्राट नंदपाल हूं, मुझे कोई मेरे ही घर में चुनौती देकर नहीं जा सकता। मैं इसे इस अपमान की सजा जरूर दूंगा। पकड़ो पकड़ो। सम्राट के मुंह से यह शब्द सुनते ही बहुत से सैनिक उठकर उसके पीछे भागे। पास बैठी महारानी कुंचकी ने अपने पति की ओर देखकर कहा, नहीं महाराज, इससे मत रुको, यह ब्राह्मण है। स्त्री दुर्बल एवं ब्राह्मण पर हाथ उठाना किसी भी वीर का काम नहीं है। तुम ठीक कहती हो कुंचकी, हम ही क्रोध में इतने अंधे हो गए थे कि हमें कुछ भी पूरा भला नजर नहीं आ रहा था। यह कहते हुए सम्राट नंद अपने स्थान से उठ खड़े हुए। उनके पीछे महारानी कुंचकी भी चलने लगी। राजा और रानी दरबार से उठकर चले गए, किंतु उनके जाने के पश्चात आर्य शक्टार बार बार यही सोच रहे थे कि चाणक्य पंडित की इस प्रतिज्ञा का क्या होगा। क्या वास्तव में ही राजा नंद का विनाश होने वाला है? परशुराम और चाणक्य की प्रतिज्ञा में कोई अंतर नहीं। ब्राह्मण यदि कोई प्रतिज्ञा कर लेता है तो वह उसे पूरा करता है या फिर मिट जाता है। प्रतिशोध की आग शक्टार के अंदर भी तो सुलग रही थी। राजा नंद ने उसे भी तो एक बार बंदी बना दिया था, भले ही आज उसे आजाद कर दिया गया है, मगर बदले की आग तो अब भी उसके अंदर ही अंदर सुलग रही थी।